को बात बताइए, आप लोग पत्रकार सब काम नहीं मिलता है, पत्रकार सब उसका दरवाजा पर एक सवार जाता है, मैं गुजारने के लिए एक महिला के एक लड़की का मुंह, अगर बाप मर जाता है तो कहता हम बाप बनेंगे, किसी का पति मरता है कोई मरदवा कहता है जब तुरंत से बनेंगे, नहीं कहता है। ये बात आप काहे करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या पत्रकारिता आप लोग करते हैं, आरती को पागल कर दिया है आप लोग। अच्छा, आप लोग तो ही कामे करते, कामे न कोनो मिलता था, क्या कीजिएगा, वीडियो है ना, कामे नहीं मिलता आप लोग को, आपको कामे नहीं मिलता है, लोग सब बात करते। आरती सुनिए, एक मिनट सुनिए, सुनिए बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए हमको। आरती फिर आरती चश्मुदी गवाह है, सुनिए 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 ना, नौ को नौ अगर निर्दोष है तो उसका हत्या कौन किया, आप लोग हमको जवाब दीजिए, हत्या कौन किया, किसने किया, क्यों किया, स्त्री भेजता था उसका घर में तो वो छोटू था, दो बजे रात में चला गया तो क्या हुआ, क्या हो गया, वो क्रिमिनल मर गया, मरना इतना जरूरी क्यों समझा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। ओ, मेरा नाम है ललिता देवी, मेरा घर छातापुर है, हम पूर्व सरपंच हैं और अभी हम गांव में जो कोई तरह की बात होता है तो उस समस्या को हम देखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप एक समाज सेवी की भूमिका निभा रहे हैं। समाज सेवी की भूमिका हम निभा रहे हैं और महिला पर कोई अगर अत्याचार होता है तो उस आवाज को हम उठाते हैं, चाहे वो महिला गलत हो या सही हो। गलत का साथ तो नहीं है देंगे, गलत मेरा बाप भी करेगा तो हम कहेंगे गलत गलत है। चलिए, तो पहला सवाल हमारा है कि आरती छोटू मामला पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में जिस तरीके से अभी एक विषय का मुद्दा बना हुआ है, और आरती छोटू मामले में अनेकों चेहरा ऐसे हैं जो रोजाना सुर्खियों में रहते हैं, उनमें से एक चेहरा आपका भी है जो कि आप इधर काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं, आप आरती की कौन लगेंगी पहले ये? देखिए, आरती मेरा कोई नहीं है, आरती जो है सो वो अररिया जिला का है, वैसे अररिया जिला मेरा मैके भी पड़ता है नरपतगंज। अच्छा। लेकिन मेरा जो है सो सुपौल जिला से हम बिलोंग करते हैं, और जब जैसे यूट्यूब पर हम देखे जो आरती पहले घटना में भी हम गए थे, और आरती का जब शादी का बात हम सुने तो वहाँ हम गए, और गए तो सही में शादी की थी, हम उनसे पूछे बेटा इतना जल्दी शादी करना क्या जरूरत है, ऐसा कौन सा परिस्थिति हुआ जो शादी करना जरूरी समझ लिए, बताइए आप हमको। तो आरती बोली जो हम क्या करेंगे आंटी, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम जिस परिवार में रहते हैं वो परिवार पर समाज का दबाव पड़ा, जो लड़की को किस आधार से तुम रखते हो घर में, हमारे ससुर जी उमेश बाबू से बोले, अगर तुम आधार बनाना चाहता है तो तुम अपना बेटा को बुला करके इसके शादी कर दो, और नहीं तो लड़की जिसका उसके पास भेज दो। सबसे बड़ा सवाल, आप एक महिला है, ठीक है, अगर कोई भी लड़की को उसके परिवार वाले 2 बजे रात में किसी लड़के के साथ अभद्र तरीका से पकड़ेंगे तो दो ही काम करेंगे, या तो बाप अपने आप को मार लेंगे या उसको मार देंगे जो इस घटना को अंजाम दिया है। एक बाप क्या करेंगे, एक बाप के लिए पूरा इज्जत उनकी बेटी होती है, दो ही कदम उठाएंगे, खुद को मार लेंगे या सामने वाले को मार देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, छोटू कोई अनपरिचित लड़का नहीं था, छोटू का वहाँ ननिहाल पड़ता है, और आरती का पापा रिलेशन में मामा ही लगता होगा, और मामा और छोटू उसको कहता होगा, क्योंकि उसका दरवाजा के आमने सामने उसका मामी का मामा का घर पड़ता है, छोटू बराबर वहाँ जा करके रहा करता था, और उसका बेटी आरती से बहुत दिन पहले से सुनते हैं, 2 साल पहले से उसका चक्कर चलता था, क्या उसका परिवार में कोई नहीं जान रहा था जो मेरा बेटी का निशाना कहाँ है, क्यों नहीं पहले संभाल के रखा, और जब दिन में छोटू वहाँ पर गया, जब वहाँ पर सत्संग कहीं होता था तो मालूम पड़ा जो छोटू अपने पापा को और आरती के पापा को मोटरसाइकिल पर ले करके वह सत्संग करवाने सुनवाने ले जा रहा था, कहीं जरूरत पड़ता था तो आरती का पापा छोटू को बुलाता था और बैठा करके कहीं कहता था हमको पहुंचाओ बेटा, उस दिन में छोटू था, आइसक्रीम भेजता था उसका घर में तो वह छोटू था, और 2 बजे रात में चला गया तो क्या हुआ, क्या हो गया, वो क्रिमिनल मर गया, मरना इतना जरूरी क्यों समझा। अच्छा, आप कैसे जाने कि आइसक्रीम भेजता है? अरे वहाँ गए अगल बगल के लोगों से हमने पता किया, उसका परिवार से पता क्यों करेंगे भाई, रहरिया या बढ़ुआ, आरती के घर पर गए थे बढ़ुआ। तो नजर में आरती सही है कि गलत है? देखिए, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्रेम को जैसा एंगल दे सकते हैं, प्रेम कोई जरूरत, प्रेम माँ बेटा में भी होता है, ननद भौजा में होता है, पड़ोसी से होता है, तब ना प्रेम करके अगल बगल में हम जीवन अपना। प्रेम तो छोटू से था तो शादी फिर मनु से इतना जल्दी? प्रेम छोटू से था, बेपना मोहब्बत करती थी आरती छोटू से, लेकिन छोटू का जब हत्या हो गया, उसका बाप भाई पूरा रिश्तेदार जब जेल चला गया, उसके पास में कोई सहारा नहीं मिला, तो निराश होकर के वह उमेश यादव के पास जब आया तो उमेश यादव उसको सहारा बना, उमेश यादव उसको अपना बेटी बना करके रखा, जब कुछ दिन के बाद समाज बैठ करके समझौता किया कि तू किसी का बेटी को अपने घर में क्यों रखोगे, दो में एक करो, या तो तुम
आरती का शादी कर दो या नहीं तो जिसका बेटिया वहाँ उसको भेज दो। एगो बात बताइए आप लोग पत्रकार सब, काम नहीं मिलता है पत्रकार सब, उसका दरवाजा पर एक सवाल जाता है मैं घुसाने के लिए एक महिला के एक लड़की के मुंह में। चाची एक सवाल मेरा रहेगा, जो आरती आज से कुछ दिन पहले अपने आप को छोटू का विधवा बता रहा था, जबकि छोटू से आरती का शादी ही नहीं हुआ तब पर भी विधवा बता रहा था, वही आरती छोटू के बड़े भाई मन्नू से शादी कर लिया। देखिए शादी आरती का नहीं हुआ था उसे, तो विधवा क्यों बता रहा था? एक मिनट सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए एक मिनट सुनिए, बोलिए चाची। आरती का शादी मन्नू छोटू से नहीं हुआ था, उससे वह प्रेम करती थी, जब उसका हत्या हो गया तो देख लिया मेरे नजर के सामने में तड़पा करके मेरा प्रेमी को मारा, इसलिए वह जो है आरती उमेश बाबू के घर आया, उमेश बाबू उसको सहारा बना, सहारा बनने के बाद उसका हौसला को बुलंद किया, और आरती जो है आवेदक नहीं है, हत्या का आवेदक है उमेश यादव, उमेश यादव, उमेश यादव। चाची आरती सुनिए एक मिनट सुनिए सुनिए, बोलने दीजिए पहले बोलने दीजिए हमको। आरती चश्मुदी गवाह है जिस पर पूरा केस बना है, सुनिए एक मिनट सुनिए। आरती को छोटू से, छोटू का केस से कोई संबंध नहीं है, आरती गवाह है, हम गवाह बन सकते हैं, हमारे सामने अगर किसी का हत्या हो जाएगा तो हम गवाह बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। चाची विधवा नहीं बताना चाहिए छोटू का। सुनिए एक बात बताइए, किसी का अगर पति मर जाता है, किसी का अगर बाप मर जाता है तो कहता हम बाप बनेंगे, किसी का पति मरता है कोई मर्दवा कहता है हम तोरा से बनेंगे? नहीं कहता है। ये बात आप काहे कहते, उस समय में स्थिति परिस्थिति कुछ और था, ठीक है, उनका माइंड का स्थिति। और सुनिए शादी करने की सवाल, जहाँ तक शादी करने की सवाल होता है तो वह उसका पर्सनल लाइफ है, उसमें आप लोग इंटरव्यू नहीं करें तो अच्छा होगा। हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे चाची, कहने का मतलब यह हुआ कि तभी उनका माइंड का सिचुएशन ठीक नहीं था इसीलिए बोल दिया। अब देखिए क्रोध में था, विवेक खो गया था, वो कुछ भी बोल सकते। तो ठीक है चाची, यदि वो कुछ भी बोल सकता है तो वो नौ आदमी को जो फंसाया है, निर्दोष नौ आदमी को जो इस केस में वो फंसाया है, इसका मतलब वो क्रोध में आके वो नौ आदमी को फंसा दिया। अच्छा एक बात बताइए, नौ का नौ तो उसमें अब सुनिए 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 ना, नौ को नौ अगर निर्दोष है तो उसका हत्या कौन किया? आप लोग हमको जवाब दीजिए, उसका हत्या कौन किया, किसने किया, क्यों किया? जब उनका माइंड ही सही नहीं था तो वो कुछ भी बोलते। क्या बात करते हैं, हत्या उसका घर में हुआ ना जी, हत्या उसका घर में हुआ, किसके घर? मेरा घर में हत्या हुआ, आपका घर में हत्या हुआ, आरती के रोड पर हत्या हुआ, जंगल में हत्या हुआ, उसका घर में हुआ। जब उसका घर में हत्या हुआ, आरती उस घर की बेटी थी, आरती उससे प्रेम करती, उसका लोभर था, तब ना वो जो है गवाह बना, बताइए। ठीक है चाची, वो गवाह निर्दोष कैसे? आप सुनिए, आप पत्रकार है, मेरे घर आए हैं, अगर चार है इसमें से अगर एक गायब हो जाएगा तो क्या चार जवाब नहीं देगा तो हम जवाब देंगे ना? हमसे पूछेगा ना प्रशासन, पांच को जब था तो एक को कहाँ गया? एक को कहाँ गया, बिल्कुल सही बताइए। अच्छा चाची एक सवाल मेरा और भी, क्या बात करते हैं, क्या पत्रकारिता आप लोग करते हैं, आरती को पागल कर दिया है आप लोग। अच्छा अब हम लोग सोचे हैं कि हम कहते, सुनिए 1,500 रुपया दे दे करके सब पत्रकार मिलके आरती छोटू का एक मंदिर बनवाएंगे, व्यू नहीं मिलेगा तो वहाँ जाकर अगरबत्ती खोसेंगे। अच्छा चाची एक सवाल मेरा, उनको बोलने दीजिए ना, सुनिए आप बोलिएगा तो हम उठ जाएंगे, तो हमसे पूछने के लिए आए थे, एक की एक बात का जवाब हम देंगे। सुनिए आप मंदिर क्यों बनाइएगा, मंदिर सुनिए ना, मंदिर आप क्यों बनाइएगा, मंदिर और को क्यों बनाएगा? मंदिर जिसका बेटा है वह बनेगा, जिसका सिकवा था वह बनेगा, आपके बनाने से वह मंदिर मंजूरी नहीं होगा, दिमाग में लगा लीजिए चीज को। तो उसका पिताजी उद्घाटन करेंगे ना करके, पिता काटेंगे। सुनिए उसका पिता, सुनिए आरती धीरेंद्र यादव का बेटी है, कल क्या करेगा उसको कौन देखा है? बिल्कुल सही, कौन देखा है? बेटी उसका है, बहू अब उमेश यादव का है, वो क्या करेगा नहीं करेगा हमको आप को इसमें पढ़ना नहीं। चाची एक सवाल रहेगा मेरा, यदि आरती के घर पे उमेश यादव के यहाँ कोई ब्लॉगर या कोई यूट्यूबर चला जाता है 500 रुपया का साड़ी लेके, 1 kg मिठाई लेके, उनको वो इंटरव्यू देती है, उनके ब्लॉग चैनल में आके, उनके वीडियो में आके वो ब्लॉगिंग करती है, यदि वही कोई पत्रकार पहुँचता है तो चाची उनको वो बाइट नहीं देती है? आप बता दीजिए, इसलिए नहीं देता है? मीडिया पत्रकार एक आदमी नहीं जाता उसके पास, 20-20 गो मीडिया मुंह में घुसार देता है, तो सबके बस के गोपनीय जब हर जवाब का सवाल करेगा वो। ये गलत बात है, हम भी साड़ी लेके जाएंगे तो। सुनिए ना, आप क्यों लेके दीजिएगा, आप क्यों दीजिएगा उसको? देने वाला ने कहा था हम देते हैं, देने वाला का हाथ ऊपर रहता है, लेने वाला का हाथ तर में रहता है हमेशा, एकदम दिमाग में लगा के चलिए। किनकी बेटी है आपसे मैं सवाल? आरती धीरेंद्र यादव का बेटी है, दुनिया जानता है इसको, धीरेंद्र यादव की बेटी है। और एक चिट्ठी में एक समाचार पत्र निकला है जिसमें कहा है कि आरती और मन्नू की शादी परिजनों की सहमति से हुई है, तो आरती कहते परिजन वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, आप सुनिए सहमति। अब एक बताइए, चिट्ठी जो लिखा है कौन लिखा है, कौन देखा है उसको?
धीरेन्द्र कौन जोड़ लिया, धीरेन्द्र यादव चिट्ठी लिखा होगा, रविकांत लिखा होगा, मिथिलेश से लिखा होगा, पवन यादव लिखा होगा, हो सकता है जो लाया खिलवाड़ वो भी कर सकता है। अच्छा एक सवाल और है, हाँ, इस चीज को तो कोई नहीं देखा, तो किसी को बदनाम मत कीजिए, बेचारा जेल में है। मनु यादव जो पत्रकार को धक्का मार रहे हैं वो सही है या गलत है? देखिए सुनिए, देखिए एक बात सुनिए, भीड़ भगदड़ जब होता है बाबू, तो भीड़ भगदड़ में कौन क्या बोल देगा, कौन कहाँ चले जाएगा, कहना असंभव है। अच्छा सुनिए, भीड़ भाड़ में सुनिए, लेकिन ये मारना गलत है या नहीं? मारा कैसे मार दिया भाई? वीडियो है हम लोगों को, सुनिए ना, वीडियो आप लोग तो कामे करते, कामे न कोनो मिलता था, क्या कीजिएगा? वीडियो है ना, कामे नहीं मिलता आप लोग को, आपको कामे नहीं मिलता है। बबीता मिश्रा, चाची बबीता मिश्रा बोली है की ऐसा हम नहीं बोल रहे, वहाँ के जो अररिया और भड़गामा के जो प्रिंट मीडिया अखबार छापा है उनके प्राइवेट पार्ट टच किया गया। आप देखिए सुनिए एक बात बताते हैं, बबीता मिश्रा बुड़बक नहीं है, बबीता मिश्रा बहुत काबिल और लायक की लड़की है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मेरी बहन जैसी है जी जी। और आरती की भी बहन जैसी है जी जी। ठीक है, एक बात बताइए, अगर वो लोग गलती कर दिया थोड़ा सा क्रोध में आकर के गुस्सा से, तो क्या आप लोग को क्या चाहिए? आप भी उसी तरह से बन जाइएगा? तो भेड़ में बकरा में कौन अंतर है? कोई अंतर रहा? तो बबीता मिश्रा से वही विनती करते हैं, जो हुआ हुआ सब आदमी मिल करके उसका घर बसाने दी, उसका निजी जीवन में आप लोग दखल मत कीजिए। तो चाची आपके कहने का मतलब आरती जो की है ठीक की है, आरती एकदम शादी न करे, उसका अपना जीवन है, उसका जीवन में हम क्यों दखल अंदाज करेंगे? चलिए हमने शादी न करे, शादी करना गुना है? शादी करना गुना है? तो फिर लेकिन लेकिन देखिए हिंदू परिवार में एक साल तक कोई शादी नहीं। अरे सुनिए ना, हिंदू परिवार तो उमेश यादव ने जानेगा, आज हमारा बेटा को हत्या किया गया, हमारा बेटा को बरखीन हुआ, हम शादी कैसे करेंगे? उमेश यादव से सवाल, आरती से सवाल आप लोग क्यों करते हैं? सनातन हिंदू संगठन यह कहता है कि हिंदू धर्म का अगर पालन करते हैं आप तो एक साल तक नहीं कर सकते शादी, कुछ नहीं हो सकता है, शुभ काम मानते हैं तो हाँ शुभ काम नहीं होगा। चलिए हमने मान लिया कि शादी हो गई, कुछ भी हो सकता, ठीक है, वो व्यक्तिगत चीजें हैं, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। शादी कर लिया, कुछ कर लिया, अपना कहीं जाए, व्यक्तिगत चीजें हैं। हम फालतू को सुनिए, फालतू को अपने बोलेंगे, हम आप लोग सब पत्रकार से जहाँ तक हमारी आवाज जाती होगी, जितना पत्रकार है, सारे पत्रकार से मेरा गुहार है, यही है विनती, जो बबीता मिश्रा को समझिए, अगर भूल से भी उसके साथ अगर कोई तरह का बात हुआ है तो उसको क्षमा करके सब मिल करके मिला जुला दीजिए। मान लीजिए किसी का हम अच्छा नहीं करेंगे तो बुराई करके हमको फायदा क्या होगा? हाँ आप आए हैं हमसे जैसे इंटरव्यू लेने के लिए, हम नहीं देंगे तो आप हमारा क्या कर लीजिए? कुछ नहीं, कुछ कुछ, कुछ कर पाइएगा? देखिए कहीं ना कहीं ये है कि बबीता मिश्रा के साथ धक्का मुक्की हुआ, हो सकता है कि अगर आप वहाँ होते बबीता मिश्रा के जगह तब आप एगो बात बता देते, अगर हम रहते तो ऐसा होता ही नहीं। बबीता सुनिए, अगर सुनिए एक बात बता, अगर होता तो आप केस नहीं, आप बताइए स्थिति परिस्थिति को देख करके बात करना चाहिए। जब वहाँ भीड़ भगदड़ भगदड़ भीड़ बहुत पूरा हो गया तो बबीता मिश्रा को वहाँ से तुरंत लेन देना देना चाहिए, क्योंकि वो महिला थी, आरती को खींच करके निकल जाती हूँ।